भवन, सुमित्रा भवन, राधिका भवन, हवा बड़ा सब मेहरारू के नाम लिखा दे कुसुम भवन लीलावती भवन थोड़ा सा प्रसंग उस शक्ति के ना हो ना माना मत करो एगो सती के प्रसंग सुनाओ तने छोटा सा ओहो में मजा आ जाए बात को हलबड़ा तने के जवाब दिया तने प्रसंग कह लक्ष्मण जी कहलक भैया राम भैया हमरे का आशीर्वाद दी कि आज ओकर गर्दन काट के लेके आई कहले जाओ बस विजयी होवो लेकिन बाड़ी में कितना अंतर बा आ ओने मेघनर कहते पिता श्री परमासी सौ दो बार हमारी चंगुल समझ के निकल गए नाम पास में बाधा गया तो हनुमान ने गुरु को बुलाकर छुड़ा दिया शक्तिमान मारा गया तो रातों रात पर्वत सहित बूटी लाकर फिर से जिंदा कर दिया हे महाराज लंकेश्वर आपका पुत्र मेघनाथ जो इंद्र पर विजेता होकर इंद्रजीत कहलाता है हमें आशीर्वाद दीजिए कि दोपहर से पहले दोनों वनवासियों का गर्दन काट के आपकी शरण में डाल दूं जा पुत्र विजयी भव विजय होश पूरा इंतजार किया जा चल भाई ले रनवा में बच नहीं मन में सोच कि बाबूजी का आशीर्वाद लेनी माई का आशीर्वाद लेनी गुरुजन का आशीर्वाद लेनी और हमार सती सुलोचना मेहरारू दियो अगर सती तो कपल इकट्ठा करके मस्तक पर तिलक लगा दी तो सारे संसार में इंद्रजीत अजय हो जाएगा क्योंकि अपना पावर के साथ सती तो भी हमारे साथ रहेगा पक्की जा फिल्म के धुन खड़े रहियो ओ बकिया रे अरे रहियो युवराज बनू हो युवराज युवराज मेघनाथ में रहे हाँ
सुनो उसने में तेरा पति लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, तिलक लगाओ अपने सभी सपना इकट्ठा करके हमारे मस्तक पर तिलक लगाओ। बोलना स्वामी सती का माना ही ना होला कि अधर्म करे वाला पर अपन सती सुख पर लगा दे, कल की पति का आदेश नहीं मानना सती के लिए सबसे बड़ा दुष्कर्म है। तिलक लगाओ, लगाओ, दे तिलक, दे, दे। हाँ। कल की हे स्वामी, आज ब्रह्मा विष्णु शंकर भी लड़ाई में आ गए हैं, पर वह अजय बनी आज रोए कि हम मार ना पाई, लेकिन जतरा फेल मत करी हो, फेल कर दे हमार सती तो हमार लगा लौट जाए। कहता है कि हे स्वामी रवा हम सता नहीं आया, इतना प्रदान से भी बड़का रोए कि सती तो को बोल देले बनी हमार करेजा भीतर रोत आवे और रूरु के मुंह सुघरा होत सुघरा हो आए सती। हे स्वामी लंका पर नाचतबा अरे विपतिया ये राजा जी जान को तो होई है मुला पतिया ये राजा जी रो रही हो इंद्रजीत जी धर्म पत्नी लंकेश्वर के पुत्र मधु, अरे तुम वीरांगना हो और वीरांगनाएं अपने पति को लड़ाई में जाने से पहले हंस के विदा करती है ताकि उसका हौसला बढ़े और तुम रोके हमारे हिम्मत को कम कर रही हो। अलग चुप रही मेघनाथ इंद्रजीत लंकेश्वर त्रिलोक में जीता काना काम कर सीता जी का अगर लिया कर है तो उनका बाजू का ताकत रहे जनकपुर से धनुष दूर कर लेके आई रहते राम से लड़कर सीता लेके आई रहते चोरों की भांति चुट्टा जैसा साधु का भी नाम बदनाम कर दिया, साधु का रूप धारण करके जाकर अबला नारी को हरण करके लाया। रोका अपने एक बार वीर वीर कौन है बर्तबी तारा फुआ कन्ना कर काट दहले लक्ष्मण काई ना लड़े चोरों की भांति चोरी करने वाला वीरताई करने हो का सोच के पहले मरे अपना बड़ा पाप के पाप हो न रुकनी स्वामी जब अपना पाप के हरि महल दूसरा के और अतिया के राजा जी हरि महल दूसरा के और अतिया के राजा जी जान पद हुई मुला अतिया के राजा जी ढाई का चल दल बटा जा कर लगा लगा रहे राम कहाँ है लक्ष्मण कहाँ है सामने आओ अरे लक्ष्मण जी बगैर चुप चुप चुट्टा कले का चुट्टा चुट्टा रणछेद सुनिया के जवान नहीं बाण का प्रयोग किया जाए मेघनाथ इंद्र जी तत्त्व मंडल कैसे नहीं है भैया दुनूर से सनम सनम चलियो साधारण बाण का प्रयोग नहीं करूंगा, इतनी है दिव्यास्त्र से मारूंगा, तरकस से तीर निकाल के माली धनुष पर रख के ओम ब्रह्म देवाय नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः
तले ब्रह्मा जी बाण पर विराजमान हो गए, परमात्मा तैयार हो गए, चला गया। लक्ष्मण जी चाहते जवाब दे देते, शंकर जी के पशुपात्र त्रिशूल चला देते, ब्रह्मा जी शंकर जी कई हजार वर्ष लड़ते रह जाते, तले सीतो जी बुढ़ा जाती है, रावण अपने मन मर गए। जननी बाकी ना चलो ले, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कल के ही ब्रह्मदेव जी महाराज, दिव्यास्त्र का प्रयोग धर्म की रक्षा हेतु किया जाता है, यदि हम धर्म पे हैं और वो धर्म पर है तो युद्ध का परिणाम आप ही घोषित कीजिए। हे ब्रह्मदेव जी महाराज, ब्रह्मास्त्र आके आप परिकर्मा को जाकर निस्तेज होकर मेघनाथ के तरकस में गिर गए। आज पहली बार इंद्रजीत मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। कोई बात नहीं, चक्र सुदर्शन चले भजन विष्णु से नारायण से प्राप्त रहे पवन, वो निस्तेज होकर लौटे मालिक, त्रिशूल चलो शंकर जी के पशुपात जाने से खतरनाक कौन हथियार है ना, वो जब लौटे आई विनाश काली विपरीत बुद्धि मेघनाथ ध्यान गल की तीनों के काट नर नाय कोई नारायण के अवतार लगते हैं। आप कैलाश कोलती यात्रा फिर के घर लौटिए पिता श्री नाचे का नाचने बाबू बुढ़ावा अच्छा ना चला लेक्चर बा बोल बा असली जहां जैसा रोल बा तो ही ना एगो कमलवास थोड़ा बा बोलनी है बस लेक्चर ना होई कहे कलूर होई तो प्रसंगो लोग सुनिए ना कहे कलूर होई तो लेदर यू लोग ना सुन बेटा कलस्कर पिता श्री अरे दोनों को मार दिया ना कोई विजय घोष ना कोई धोनी दोनों को मार दिया कलस्कर पिता श्री लंका की अगर बचाना चाहते हैं प्रतिष्ठा तो सीता को भाई बोली में बिठाकर सुलाम चंद को लौटा दिया जाए। श्रीमान बोल मेघनाथ श्री वाला बोले बोले तो श्री कहिए ना जेकर पर ब्रह्मास्त्र फेल हो गई चक्र फेल हो गई शंकर जी के प्रदान से पावल त्रिशूल फेल हो गई। हे बाबूजी उन नर ना नारायण हमें सीता को लौटा दो लंका को भी उसे बचा लो अपने आप को इंद्रजीत मेघनाथ कहले वाला मेरा पुत्र कायर की भाषा बोलने लगा लड़ाई से भाग आया बनवासियों से डर के उसके बाबूजी नारायण हमें उनका के क्यों ना मार पाई तू आज समझ गया नारायण है। मैं तो उसी दिन समझ गया खरदूषण मोहि सम बलवंता, जिस दिन खरदूषण को राम ने अकेले ही 14,000 सेना सहित मार डाला उसी वक्त मैं समझ गया कि नारायण अवतार ले लिए है तो लड़ाई नहीं करता जाके बहन का नाक नाम करना गया था भाई मारे गए थे तो मैं लड़ा नहीं लड़ता तो मारा जाता वीर गति को प्राप्त हो जाता। हमने भाई भीषण को लात मार के भगा दिया था आने वाले दिन में उत्तराधिकारी लंका का भीषण बने और सीता को चोरी करके लाया क्यों ताकि दुनिया के मालिक नारायण स्वयं लंका पर चढ़ाई करने आए लंका नगरी पवित्र हो जाए और हमारे इस निशाचर खानदान को तरंतारा कर दे। सीता को कहा रहा अपने बिस्तर पर जहाँ पर शोक का नाश होता है अशोक वाटिका में रखा ताकि सीता का संताप निहनन होते रहे और दुनिया के मालिक आए ये निशाचर खानदान पाड़ा खाता रहा दिन भर गधा ले खा जाता रहा के तारे खाते हम अपने पाए लगवानी कुंभकर्ण जैसा भाई खो दिया हमने न भूतों न भविष्य में न भूत में कोई था न भविष्य में होगा वैसा भाई अखंपन जैसा अक्षय कुमार जैसा सबकी बलि चढ़ा दी हमने और तू मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया और इसके पिता श्री आज की लड़ाई इतिहास आवे वाला भविष्य में जब तक राम के नाम जानी लक्ष्मण के नाम जानी तब तक इंद्रजीत मेघनाथ भी जाना जाएगा। दुनिया कहेगी कि भीरों की भांति लड़ने वाला मेघनाथ साक्षात नारायण भी सामने पड़ गए तो कायरों की भांति भागो नहीं युद्ध स्थल में डट कर लड़ाई किया और वीर गति को प्राप्त हो गया। बाकी बाबू जी इंतजार मत करिए गोइल बा लागल हनन हन बान चले आ एने सती सुलोचना जानत नहीं कि पहले हमने घर में थोड़े घर बने जे केहू आई त जान जे कि बेटा ले हपत हो जाती है अलग अलग भवन बने युवराज भवन माने राजा के लड़का के भवन हो कैंपस हो राजा के भवन हो हम का भाई के भवन अलग अलग बने तो त जानत न रहली अपना सखी से बतियाओ तरी कि आज हमर पति के मारे वाला दुनिया में केहू पोई देना हो बतियाओते बड़ी मालिक तोले धम से कटल बाहे अंगन में गिरो तबले अंगना में गीबल कोटल हाथ दे सती तबले हाथ हो ऐसा न सती सुलु
कुछ नहीं तो तारा पति का लग ना होई। हमारे सतीत्व से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। हमारा सतीत्व हमारे पास रहेगा, हमारे पति के पास रहेगा, अब तक हमें कोई हमारे पति को नहीं मार सकता है। कॉलेज की बाजू बंद अंगूठी सब है, देखा देखा कॉलेज की सती नारी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती। लेख लीला हाय रे सती, लेख लीला इल भाई को लिखे वाला जोगा आ कोटल भाई के हाथ में उंगली में धरावल बा। और सती एक बार बोलले बड़ी कि यदि मैं सती हूं तो एक कटा हुआ हाथ अपना बयान दर्ज करे, मालिक कहला कदरी रहे। कोटल बाह लिखे लागल कि मैं तुम्हारे पति मेघनाथ का दाहिना हाथ हूँ, लक्ष्मण ने काट लिया है, मेरा गर्दन काट के अपने दल में रख लिया है। हे सती मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा कटा हुआ अंग लेकर तुम भी सती हो जाना। पढ़ली हर हर रोवे लगे लगली रोवे या चिल्लाए रे सती दिल से भी लगाए लगली रोवे या चिल्लाए रे सती दिल से भी लगाए लगली। हनुमान जी सीता जी के देखले रहे सीता माता के लौटा देहल कर चुप रह सब हमार भाई हो कतनो पटक के मरबो मानी ना वो जीवन भर पंचायती मल्ले नहीं कहू कालू के धले रह जाए जमराजो पर विजेता हो ऐ नौ ग्रह वालू ए लोग के उल्टा टांग देल बा घरो में कोई के ना हो कोई ओकरा के ना मरी कोई के ना हो गद्दारी करत करे लगे उसे उ पटक के जले ढूंढी में ना हुकाई तले मुई ना हो ना 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 उ लौट गेले नहीं के जन मरल बताने के औरत की सती सुलोचना देखल होत का भाई बढ़िया प्रणाम कहे कल के हमरा पति के मस्तक लौटा दी हम सती होके जाता नहीं सारी बांद्री से नाचा महा में पलक री दादा ये कैसे जन लू हत त लक्ष्मण जी तीर से इतना गांठ के ले अपना दल में मुड़ी लेके चले गेल बड़े कि रावण के सेना भी निकले तू कैसे देख लू हो कहले कहे ये कटल बाह बा अंगना में गिरल हो कोनी हत ई लिखे लागल हो कटल बाह लिखल लिखल हनुमान मुड़ी ले आओ ले आओ जा तो हनुमान लेक मुड़ी धर यदि कटल बाह लिखी तो सती हो तो कटल मुड़ी हंसाओ हंसी हां जी तो ठीक बा न तो बानर हो जाए भेद दिस है पासे बन जा जितने गति माई के भइल बा सीता के लगब जे गति करे पूरा हो जईता अब मुड़ी कर तकली नु हर हर लूर गिरत हवे रंगबाज बड़का को मरा जाओ तो ओकर दुख ना होला बड़का रंगबाज के कोनो रिक्शा वाला मार के मुआ देलबा तो ई बात पर ताको तारी कहली कि जोना मस्तक के सामने इंद्र के औकात ना पड़त रहे देवता लो भागल चले आज समय के मार देखी धूर धूसरित भइल बा मुड़ी केहु पूछे वाला नहीं पत्र के पति इज्जत जुगा लो हसीदा हसीदा हो हसीदा हसीदा हो पति के पटल मत रघुनाथ के सोधाई के मारा अरे हसो हसो यदि सेना रहे तू बोलता हर हमी हो चतुरंगी सेना मनाकर लंका का दिग्विजय करवा देती अतले मुई ठठा के हसल बा बानल जल करे मायावी हो फिर जी बल का भागल भागल हो भागल भागल सजन बदले के साथ रघुनाथ से भाई हसल बमुड़ी क्या बोली सती सुलोचना अपने बाप की सेना मंगवाती लंका का दिग्विजय करवाती और मुझे मारा कौन है ये सामने खड़ा लक्ष्मण तेरा बाप की है जो अपने दामाद पद पर के अपनी पुत्री को विधवा बना दिया सही कह रहा है एक बार शेष नाग शंकर जी गला में लपकाई रहल हां बुझी के बड़ा धरती कहां रहा आ पार्वती जी झारतरी जाता हां
सांप के जात मानी सांप मान मान जो बना दी मान जो नाम मतलब दुई फाइट जाने की थुथुन को भूल भूल दू बूंद लोर भी गए आ दोनों लोर वाला लड़की हो गई बड़की जो लड़की भई तने का नाम सुने अबे लोग नाता देखी माली शेष नाग के लक्ष्मण अवतार हो रहे आ शेष नाग के बड़की बेटी सुनैना के शादी जनक जी से भइल माने लक्ष्मण जी के दामाद जनक जी आ अवतार बदलले बड़े तो शेष नाग के दामाद जनक जी उहे शेष नाग लक्ष्मण भइल बड़े तो जनक जी के दामाद लक्ष्मण जी बड़की बेटी के तो शादी कर देले शेष नाग बाकी छोटकी सुलोचना के हाथ मारत मत देखले कहले राम 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 एकरा करो में तो राक्षस लिखल बा राक्षस का कहता नहीं बाबा कहले कि के कहत हमर नाम नारद हो नारद जेकर बात रद ना होला ओकर के नारद कह जाला कह देने त होई त होई राक्षस से बिया कहले कि उपाय बाबा तो तपस्या कर भेज दो काज ने कोनो देवता खुश कर दे अब तपस्या कर गइल बड़ी हतिए चुकी में देह बढ़े लागल जब जवानी के तहलीज पार करे लगली आ तले वही बड़ा इंद्रजीत चढ़ाई कइल बा मेघनाथ इंद्र पर सब देवता लोग भाग चलल बाटे बाकी इंद्र भगवान के खेद होता जे न रही बस न बाजी मसूरी करे के मुआ है आ तले देखली कि होई देखो हम देवता लोग खाली तपस्या करतनी देवता के राजा देवराज इंद्र होवे आ इनका के खेद होता होई तो ई हेनु निमन बा नजर मिलल दिल मिलल उठा कर रथ पर बिठा लेलो जब शेष नाग जन ले तो लड़ाई करे खाली आइल बड़े मार के देही झांझर कर देले रहे घसे तब जाके शंकर जी के तपस्या कइले तब भोला बाबा कहने की प्रदान मांगो कल गई प्रदान ही है दो कि मेघनाथ को हम अपना हाथ है बोध करी कल पकड़ाई बड़ो दमाद को मरवाओ कल के जो पुत्री अपने बाप का इज्जत प्रतिष्ठा पकड़ी का ख्याल नहीं करे उसका विधवा हो जाना ही सर्वोत्तम है मारब तो मारब शंकर जी कहले कैसे ना मरब ओकरा को हम नहीं मार सको ब्रह्मा विष्णु नहीं खेलो मार सको केहू देवता के पावर नहीं मारे के ओकरा मारी की एगो नर वो कैसन न कैसन जोन 12 वर्ष वाल्मीकि जी द्वादश वर्ष लिखतनी 12 वर्ष ना भोजन करी ना पानी पी ना सूती ना अपना पत्नी के संपर्क में जाई कोले बो कोले कोले जा अत्रिता में विष्णु जन अवतार ली है राम अवतार तू लक्ष्मण के अवतार ली है शेष नाग आ कसहु बनवास के बेरा संग लग जाई कतनो के हुमाना करे आ वही बनवास 14 वर्ष के सीता हरण होई 12 साल न खई हो न पानी पी हो न सूती हो न मेहरारू के संपर्क में जाई हो जाई नू कहले के हो जाई वही तेरा बाप 12 वर्ष उपवास करके ना सोया है ना पानी पिया है और अपने दामाद का वध कर दिया कोई के मुड़ी तो लुढ़क गई मुड़ी तो दे दी हल्लो भाई कहले कि हे स्वामी हमारा सतीत्व में कौन कुमिर लगा ले करी पागल तारा पति मराई थोड़े बड़े तार सतीत्व कम हो गई हो लक्ष्मण के मेहरारू उर्मिला 14 साल हो के अलावा ओ वही दीपक लेके बिना खाए पिए इंतजार कर रही है कि मेरे पति वापस आएंगे आरती दिखा कर भोजन करूंगी और सतीत्व तनी कम हो गई तपस्याप भइल बा मनवा में तजा के गिर गई लिहारी के चरणवा बबुआ लो नायका बबुआ भर कलो मत हो गेल लास्ट की सफर सब दीन जानी सुलोचना के निर्मल कया कोइले ए लोरा बा छल कतबा नैनवा में ए लोरा बा छल कतबा नैनवा में लग गई रही चिता बना के समुद्र किनारे अपना पति के कटल अंग लेके मुंह में अग्नि दी हो जेंगा शंकर जी के सती अपना जोग से जर गई रहली वहीं आ सती सुलोचना अपना जुगाग्नि से जरत रही पति के संग सती हो गईली स्वयं इंद्र देवता आके विमान पर चढ़ा के दोनों बेकत गले के गई।